प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। पीएम ने सेला टनल भी राष्ट्र को समर्पित किया। सेला टनल दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। वहीं इस दौरान पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए जनसभा को विकसित भारत में शामिल होने के लिए जनता का अभिनंदन भी किया। पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में जितना निवेश हमने किया है, कांग्रेस 20 सालों के शासन में नहीं कर पाई। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी क्या होती है इसका मतलब समझाते हुए कहा, अरुणाचल में आकर देखें कि मोदी की गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी तो सुन ही रहे हैं आप लोग, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए, 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने करीब लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना शुरू की है। विकास परियोजनाओं में रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा, अवसंरचना, आईटी, बिजली, तेल और गैस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।